खुदाई नूर परमेश्वर दे लसानी मनुखता नूं तारन आए गुरु नानक जी तो घोली जांदे आं अदब नाल बुला लईए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। मेरे गुरदेव दा मुखार बिंद तक भाई लालो जी अजीब जी अवस्था में चले गए, सुध भुल गई, बुद्ध भुल गई, डिग पै गुरदेव जी दे पावन चरणां दे विच टह पै। तन गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार दे कोलों इस तरह का अदब लैण दे लई नहीं विचर रहे। गुरदेव जी इहो जे अदबियां नूं चुकदे ने, चुक के गुरदेव जी ने भाई लालो जी नूं उस किरती नूं उस कामे नूं छाती नाल लाया, छाती नाल लाया। रब दे बख्शिया लालो पलिया साम सुरत हो सचेत गुरु प्यार विच भिजी हुई सुरत वगदे हुए नैन फरकदे हुए बुल शब्दां दी तलाश विच ने। एन टिक गया बोलिया नहीं जा रहा। गुरदेव ने भाई लालो जी दे सिर ते हथ रख्या होएगा, बख्शिश दी बरसात कीती होएगी। तो मेरे गुरदेव ने कहा भलिया अंदर नहीं लेके जाएगा लालो, रब दे प्यारे आ अंदर नहीं चढ़। वाह गुरु नानक जी वाह वाह वाह। तुरपया शहनशाह दा शहनशाह गुरु नानक परमेश्वरी जोत ते जलवे दे मंबे केंद्र गुरु नानक किरती दी झुग्गी विच प्रवेश करे। किरती कोई महल नहीं, कोई माड़ी नहीं, कोई दुनिया दे सुख साधन नहीं, ऐसे किरती मनुख दी चुगी कितनी पवित्र जिथे मेरे गुरु नानक दे सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण पए ने। भागां वालियो धन गुरु नानक जी नूं जानन वाले, धन गुरु नानक जी नूं समझन वाले भाई साहब भाई गुरदास जी, उन्होंने गुरबाणी नूं पढ़िया, गुरबाणी नूं जाणिया, गुरबाणी नूं विचारिया, गुरबाणी नूं कमाया। उन्होंने धन गुरु नानक जी का जो करतारी जाहो जलाल वाला स्वरूप, महान गुरु शख्सियत का रूप भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपने आत्मक सतह ते जाके
उसनू तकिया माणिया जीविया ते उहदे प्रभाव नू उजागर भी किया। भाई साहब दे पावन बोल आपां बड़ी वार सुने ने, गुरदेव दे कीर्तनियां गाउंदे ने, प्रभात फेरियां मौके गाए जांदे ने। भाई साहब दे बोल ने, जिथे बाबा पैर तरै, जिथे बाबा पैर तरै, पूजा आसन थापण सोवा, पूजा आसन थापण सोवा, पूजा आसन थापण सोवा, पूजा आसन थापण सोवा। भाई लालो जी कदी तकिया नहीं, कदी सुनिया नहीं, कदी कन्ना विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे बारे विच किसे पास्यों कोई कंसो भी नहीं आई, सू भी नहीं आई, किते राह जांदे तुरदे फिरदे कोई जानकारी भी नहीं मिली। अज जगत गुरु नानक जी भाई लालो जी दे कीर्ति जी दे घर विच प्रवेश कीते ने, जन्म साखी दे लिखण हारे लिखते ने। भाई लालो जी दौड़ के कोई मूढ़ा नवान चीज लेके आया, लिया के तन तन गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं बैठन वास्ते अगे कीती, हाथ जोड़े बेनती कीती, रहमतां दा मीह पौण आयो, गरीब नवाज जियो, सज जाओ, बैठ जाओ, बैठ, इस गरीब को यही कुछ है, ताड़े अदब लई कोई साधन नहीं हन। पातशाह मैं ताड़ी खिदमत करन जोगा नहीं, मेरे गुरदेव जी ने की क्या होएगा, कोल बिठाया होएगा फटी ते जिथे बह के भाई लालो जी किरत करदे होणगे उत्थे बह गए होणगे, नेड़े ही गुरु नानक जी दे नवाजे हुए भाई साहब भाई मरदाना जी गुरदेव जी दे नेड़े हो के सज गए होंगे। भाई मरदाना जी भी सदके अपने गुरदेव जी दे एक इहो जे कौतकां तो वारी जांदे ने, बाबा तेरियां तू ही जाने, मैं नहीं तेनू समझ सकदा, ए गुरु नानक जी मैं नहीं तानू जान सकदा, ताड़ियां तुसी जानो, मेरे कुछ भी नहीं ताड़े बारे च पल्ले पैंदा। हुण इत्थे की होएगा, आप जी घरां च बैठे जे गल आपां सुन रहे हाँ, आपां रल के विचार रहे हाँ, कोई इत्थे वे थोड़ा जिहा अपने अंदर अपने मनां दे वे थोड़ा जिहा आपां विचार करी की होया होएगा। इत्थे खामोशी दी वार्तालाप होई है, खामोश जिहड़ी सारिआं तों कीमती वार्तालाप है। भाई लालो जी गुरु नानक जी नूं निहार रहे होणगे, कौन ने, किद्दां आए ने, कित्थों आए ने, मेरी गरीब दी झुग्गी विच इहनां ने किवें रहमत पाई है, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।
अपने आपे ते भी शंका कर रहे होएगा, मैं तो इन्हां दे काबिल ही नहीं हाँ, ये तो कोई खुदाई नूर दिखाई दे रहे ने, मेरे को तो इन्हां दी अदब करन जोगी कोई जुगती नहीं उगती नहीं, मैं किवें इन्हां दा अदब करां किवें सत्कार करां, की आखां इन्हां नूं किन्ना बोलां नाल संबोधन होवां। उह ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी इस किरती नूं निहार के अपने करते नूं याद करदे आ, मालका ये तेरा साजिया होया, तेरा भेजिया होया, ये महान व्यक्ति जो तेरे भाव विच है, तेरे भाव विच है, तेरी भगती दी लालसा विच है, ए मेरे मौला ए मेरे मालक, ये तन है तन है तन है, जिहड़ा दुनियादारी दे पक्षों ते गरीब है पर ताड़ी रहमत दे पक्षों अमीर है। ये दुवला संवाद है, एक पासे तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे इस तरह महसूस हुंदा है, मेरे पिता जी रब जी नाल जुड़ के भाई लालू जी दे बारे च खुदाई रहमत नूं जानन दा होर समझन दे नेड़े हो रहे ने, दूजे पासे भाई लालू जी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं समझन लई अंदरों उठे सवालां नाल घुल रहे होणगे, अग्गे की वार्तालाप होएगी ये साडे विचार दा अगला पड़ा रहेगा। उस पड़ा वाले पासे वधन दे लई गुरु जी को असीस लईए आपां, ते भुल्लां दी माफ़ी देण दा कृपालता करो, सारे अदब विच आ के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।